जिसमें उन सभी बंदियों को बेल पर या पेरोल पर छोड़ने के लिए आदेश दिया था। उत्तर प्रदेश विधिक सेवा के साथ हमारे डीजी जेल और अपर मुख्य सचिव गृह की जो एक कमेटी है, इन लोगों ने 11,000 से अधिक ऐसे मामले पाए हैं और 11,000 से ऐसे बंदी अधिक बंदी जो उत्तर प्रदेश की जेलों में थे उन्हें पेरोल पर या बेल पर देने के लिए निर्णय लिया गया है। जो पेरोल पर दिए जा रहे हैं उसकी एक सामान्य प्रक्रिया है और जिन्हें बेल दिया जाना है डिस्ट्रिक्ट जज संबंधित जनपद की जेलों में जाकर के उन सबको बेल उपलब्ध कराएंगे। ये कार्रवाई तत्काल प्रभाव से प्रारंभ होने जा रही है। इससे 11,000 से अधिक जो बंदी हैं वे बेल पर या पेरोल पर छूट जाएंगे। प्रदेश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति के लिए हम लोगों ने पहले ही 11 कमेटियां बनाई हैं जो प्रदेश की 23 करोड़ जनता या प्रदेश के अंदर रह रहे किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के उन सभी नागरिकों की सुविधा और उन्हें हर प्रकार के यहां पर किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो इसका समाधान करने के लिए पहले से ही हमारी ये कमेटियां यहां पर कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के नागरिक बहुत बड़ी संख्या में देश के अलग अलग राज्यों में भी रहते हैं, इसके लिए भी हम लोगों ने अपने नोडल अधिकारी तैनात कर दिए हैं। कुछ राज्य छूट गए थे जिनको हम लोगों ने कल की सूची जो हमारी जारी हुई थी उसमें वे कवर नहीं हो पाए थे, खासतौर पर उड़ीसा और पूर्वोत्तर के राज्य, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के साथ ही दक्षिण में केरल और तमिलनाडु और छत्तीसगढ़। इन राज्यों को भी आज हमने नए नोडल अधिकारी इन सब के लिए तैनात किए हैं। ये नोडल अधिकारी एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर इन राज्यों से जुड़े हुए जो भी नागरिक होंगे उनके बारे में संबंधित जिला प्रशासन को आवश्यक सूचनाएं देने और उनको हर प्रकार से प्रदेश के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या न हो जहां इसकी चिंता करेंगे। वहीं प्रदेश के जो नागरिक इन विभिन्न राज्यों में रहते हैं या नौकरी पेशा करते हैं, किसी रोजी रोजगार के साथ वहां जुड़े हुए थे, लॉकडाउन के कारण उद्योग बंद हुआ है या बंदी के कारण वे वापस आना चाहते हैं, तो उन लोगों की उन राज्यों में ही तात्कालिक रूप से रहने की व्यवस्था और उन राज्य सरकारों के साथ मिलकर के किसी प्रकार की उन्हें असुविधा न हो इसके बारे में यह नोडल अधिकारीगण कार्य करेंगे। मेरी विनम्र अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से जो प्रदेश में रह रहे हैं और जो प्रदेश के बाहर भी रह रहे हैं कि लॉकडाउन की ये कार्रवाई उनके उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्रवाई है, क्योंकि कोविड-19 या कोरोना वायरस के खिलाफ देश की जो लड़ाई है यह इस वायरस के संक्रमण से देशवासियों को बचाने के लिए भारत सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान का हिस्सा इसे बनाया है और प्रत्येक देशवासी को इसमें सहयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई थोड़ी भी लापरवाही इस देश में भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। हम इटली, स्पेन, ईरान या दुनिया के जिन देशों ने थोड़ी भी लापरवाही बरती है वहां का मंचन हम देख सकते हैं, और इसलिए मेरी अपील होगी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों से कि वे लॉकडाउन की इस कार्रवाई का पूरा समर्थन करें, जहां हैं वहीं रहें, वहीं पर उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। कुल 14 अप्रैल तक की बात है, 14 अप्रैल तक वे वहीं पर रहें, उनके लिए सारी सुविधाएं
संबंधित राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी। भारत सरकार ने इसके लिए एनडीआरएफ में धन की व्यवस्था की है, सभी राज्य सरकारों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाया है। इसलिए इधर उधर जाने की बजाय, क्योंकि रास्ते में बीमारी भी उनके साथ आ सकती है, इसलिए इस दौरान यात्रा कतई न करें। और अगर उन राज्यों में कोई समस्या आ रही है तो वे हमारे नोडल अधिकारियों को बता दें। ये नोडल अधिकारी उन राज्यों के साथ मिलकर के इनकी सारी सुविधा वहां पर करेगी। ये मेरी विनम्र अपील होगी आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और आपके और आपके परिवार के एक सुरक्षित भविष्य के लिए। लॉकडाउन की इस कार्रवाई में आपका पूरा समर्थन, इस पूरे अभियान में हमें चाहिए। आपकी सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और कहीं भी कोई असुविधा नहीं होने देंगे। ये मैं आप सबसे भी अपील करूंगा, आप सबसे भी अनुरोध करूंगा। धन्यवाद।